खेसारी लाल यादव का क्या बॉलीवुड में जाने का सपना टूट गया? जी हाँ, आज इसी पर हम बात करेंगे और इसी के बारे में हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव बात बताएंगे। आपको तो पता ही होगा 25 जून को बॉलीवुड के लिए खेसारी लाल यादव को ट्विटर पर सपोर्ट करना था, लेकिन ये अभियान अधूरा रह गया। काफ़ी लोगों ने किया और कुछ लोगों ने नहीं किया, जिसके वजह से खेसारी लाल यादव ट्विटर पर ट्रेंडिंग में नहीं आए और ये सपना लोगों का अब ये कहना है कि धरा का धरा रह गया। अब तो ये लोग कह रहे हैं कि खेसारी ने अपना ही मजाक बहुत बुरी तरह बनाया। भाई मजाक कैसा, खेसारी ने एक पहल तो की, ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। किसी भी एक्टर की ये बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए कि वो पहल तो कर रहा है, फिर बॉलीवुड में जाने की बात रही। तो भाई खेसारी लाल यादव के लिए कौन सी बड़ी बात है? खेसारी लाल यादव का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, खेसारी लाल यादव के पास पैसे हैं, खेसारी लाल यादव के पास हीरोइंस है, वो कभी भी हिंदी फिल्म बनाए और बॉलीवुड में एंट्री मार ले। उन्हें बॉलीवुड में जाने के लिए प्रॉपर लॉन्च होने की कोई ज़रूरत नहीं, खेसारी ऑलरेडी कहीं के सुपरस्टार हैं। लेकिन अब बात जो मैं आपसे कहने वाली हूँ वो थोड़ी सी दिलचस्प है। वो दिलचस्प मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह के फैंस ने खेसारी को सपोर्ट नहीं किया बॉलीवुड में, वो गलत कह रहे हैं। जी हाँ, कुछ लोगों ने तो सपोर्ट किया, लेकिन कुछ जिसको इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट किया। पहले ये कहा गया कि 25 जून को ये अभियान चलाया जाएगा, लेकिन फिर बाद में ये कहा गया 25 जून को ये अभियान नहीं चलाया जाएगा। आपको ये बता दें कि खेसारी को सपोर्ट करने में काफ़ी ऐसे लोग थे जो राजपूत थे, जो ब्राह्मण थे। जी हाँ, आप जाइएगा और खेसारी के उस ट्रेंडिंग को, जो कि खेसारी के नाम पे 2 या 3 लाख ट्रेंड हुए थे, वोट पड़े थे, तो आप उसको चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी लोग जो उच्च कास्ट के थे, जैसे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग जिनको नहीं पता है कि ट्विटर, जिन्होंने डाउनलोड ही नहीं किया है, जिनको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो करेंगे कहाँ से? ये बात तो चलिए एक अलग बात, लेकिन इस बात को फैलाना कि खेसारी को पवन के फैंस ने सपोर्ट नहीं किया, ये बात हुई ही नहीं। क्योंकि ये मुद्दा तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से उठा था, तो इसमें पवन और खेसारी का वार आएगा ही नहीं, क्योंकि पवन और खेसारी से बड़ा बिहार है, ये सभी जानते हैं। बिहार से पवन खेसारी हैं, पवन और खेसारी से बिहार नहीं है। और ये बिहार की समस्या थी, बिहार के लाल के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, जिस वजह से उसने आत्महत्या की। इस बात को लेकर इसे गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है, तो ये गलत है। जब से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, उस हत्या को आत्महत्या करार दिया जा रहा है, तब से आपने देखा होगा कि बिहार एकजुट हो चुका है। बिहार और यूपी के लोग डिमांड कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को भाई न्याय मिले, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जैसे कई ट्रेंड ट्विटर पे चल रहे हैं। ऐसे में इस बात को एक अलग दिशा में ले जाना कि खेसारी लाल यादव बॉलीवुड में आने वाले थे, इसलिए उनका सपोर्ट पवन सिंह के फैंस ने नहीं किया या निरहुआ के फैंस ने नहीं किया, ये गलत बात है। खेसारी को बॉलीवुड में आने के लिए किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। खेसारी के जितने भी फैंस हैं वो चाहेंगे कि खेसारी ऑलरेडी आए, क्योंकि बिहार के साथ जो कुछ हो रहा है, बिहारियों के साथ जो कुछ होता है आउटसाइड बिहार में, उसकी स्थिति को खेसारी अपने सिनेमा में दिखाएं। इस तरह के विवाद को खड़ा करना, सुशांत सिंह राजपूत की एक तरह से जो आत्महत्या हुई है उस पर नीचा दिखाने जैसा ही होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।